बच्चों मैं तबास्म नाज टीचर बी एम एसकुंडला हमारा आज का टॉपिक है शॉप्स इन नेबरहुड्स हम आज पढ़ेंगे दुकानें जो हमारे नेबर्स में होती हैं उनके बारे में आज पढ़ना है वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट ऑफर ए वैरायटी ऑफ गुड्स हमने देखा है कि अक्सर जो हफ्ते का बाज़ार होता है वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हाव एवर आल्सो बाई थिंग्स फ्राम अदर काइंडस ऑफ मार्केट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम दूसरे बाज़ारों से लाते हैं दीज आर मैनी शॉप्स देर आर मैनी शॉप्स देर आर सेल गुड्स एंड सर्वस इन अवर नेबरहुड्स हमारे आस पास के पड़ोस में जो दुकानें होती हैं वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेचते हैं वही में बाई मिल्क फ्राम डेयरी ग्रॉसरीज फ्राम डिपार्टमेंटल स्टोर स्टेशनरीज ईटेबल्स आर मेडिसन फ्राम अदर शॉप्स हम देखते हैं कि जैसा कि हमारे निबस में जो दुकानें होती हैं वहाँ से भी हम कोई चीज़ें लाती हैं कोई चीज़ें हम डेयरी से लाते हैं जैसे कि दूध हम डेयरी से लाते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं वहाँ से हम खरीदते हैं कोई चीज़ें स्टेशनरी से लाते हैं बुक्स लाते हैं खाने पीने की चीज़ें दुकानों से लाते हैं मेडिसन्स जो होती हैं वो हम लाते हैं मेडिकल शॉप से जो हमारे आस पड़ोस में होती हैं मैनी आप दीज आर परमानेंट शॉप उनमें से बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जो परमानेंट होती हैं वाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल डेट ऑफ द वजिटेबल हाकर्स द फ्रूट वेंडर्स द मकैनिक एटेस्ट्रा उनमें बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जो परमानेंट होती हैं और बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो रोड साइड पर लगाई जाती हैं जैसे कि सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं फ्रूट बेचने वाले होते हैं या कोई मकैनिक होता है तो वो रोड पर अपनी दुकान लगा लेते हैं शॉप्स इन द नेबरहुड्स आर यूज यूजफुल इन मेनी वेज अगर देखा जाए तो जो हमारे पड़ोस में दुकानें होती हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं किस तरह दे आर our आवर होम्स एंड वी कैन गो टू गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक वो हमारे आस पड़ोस में होती हैं और हम uh, हमारे घर के नज़दीक होती हैं और हम कभी भी हफ़्ते में वहाँ जा सकते हैं यूजअली द बायर्स इन सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स आर ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन हम देखते हैं कि ये जो जो पड़ोस की दुकानें होती हैं वहाँ जो बेचने वाले होते हैं या खरीदने वाले होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं और वहाँ से सामान हम उधार पे भी ला सकते हैं दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर परचेज लेटर इसका ये मतलब है कि आप कभी भी उनको पैसा दे सकते हैं एज़ व इन सुजाता केस फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हमने सुजाता केस में पढ़ा शॉपिंग कम्प्लेक्सेज इन मॉल्स हम आगे पढ़ेंगे कि शॉपिंग कम्प्लेक्सेज और मॉल्स क्या होते हैं सो फार वी हैव सीन टू काइंड ऑफ मार्केट प्लेस वीकली मार्केट एंड मार्केट्स इन अवर नेबर हमने पहले पढ़ा पहले इसी चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि दो किस्म के बाज़ार होते हैं एक तो जो हमारे नेबर्स में दुकानें होती हैं और दूसरा जो हमारे जो हफ्ते का बाजार होता है हफ्ते में जो एक दिन मार्केट लगता है तो उसके बारे में हमने पढ़ा देर आर अदर अदर मार्किट्स इन द अरबन एरियाज देट हैव मनी शॉप्स पॉपरली का प्रॉप कार्ड शॉपिंग कम्प्लेक्स जैसा कि हमने देखा कि हमारे आस पड़ोस की दुकानें होती हैं या शहर शहरी इलाके जो होते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी दुकानें भी होती हैं जहाँ जिनको शॉपिंग मॉल्स कहा जाता है या शॉपिंग कम्प्लेक्स कहा जाता है these days in many urban areas you also have a large multi story air-conditioned building with shops on different floors known as malls. in these urban markets you get both branded and non-branded goods. हमने देखा है कि जो माल्स होते हैं, ये shopping complexes होते हैं, वहाँ ये शहरी इलाकों में पाए जाते हैं, जो गांव होते हैं, उनमें ये नहीं होते। तो वहाँ जो चीजें होती हैं, वो branded भी मिलती हैं और जो non-branded होती हैं, वो भी मिलती हैं वहाँ पे। as you have read the chapter on advertising ब्रांडेड गुड्स एंड एक्सपेंसिव हमने देखा है कि जैसे एडवर्टीजिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं हैंफन प्रोमोट बाई एडवर्टीजिंग इन क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी ये जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं ये जो कंपनीज होती हैं तो ये एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए उनकी क्वालिटी को दिखाते हैं द कंपनीज़ प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट सेल दम थ्रो शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट जो कंपनीज होती हैं तो क्या करती हैं इनके ज़रिए अपनी जो शॉप्स ये शॉप्स होती हैं उनके ज़रिए अर्बन एरिया में क्या करते हैं अपनी चीज़ें बेचते हैं एट दैट टाइम थ्रो स्पेशल शोरूम जो कोई स्पेशल शोरूम होते हैं उनके ज़रिए अपने ब्रांडेड चीज़ें जो होती हैं वो बेचती हैं एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स किसके मुकाबले में जो नॉन ब्रांडेड होता है उसके मुकाबले में वो बेचते हैं पीपल कैन एफोर्ड टू बाई ब्रांडेड वंस कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो जो ये ब्रांडेड चीज़ें खरीद सकते हैं हर एक लोग क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं इसलिए वो आम जो फैमिली होती है मिडिल क्लास फैमिली होती है वो नहीं खरीद सकते कोई कोई लोग होते हैं जो वो खरीद सकते हैं